भारत ने वो कमाल किया जो इससे पहले भारतीय टीम पहले कभी नहीं कर सकी थी, लेकिन क्या इसके बावजूद भारत की सारी चिंताएं खत्म हो गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। दूसरे T20 को जीतकर भारत ने वो कमाल किया है जो इससे पहले भारतीय टीम पहले कभी नहीं कर सकी थी। जी हां, इससे पहले भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को भारत में कभी भी T20 सीरीज में हरा नहीं सकी थी, लेकिन दूसरे T20 में 16 रनों की जीत के साथ भारत ने वो कमाल कर दिया, क्योंकि सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 की जो अग्रता है वो हासिल हो गई है, वो एक अजेय बढ़त है, क्योंकि अब आखिरी मैच के परिणाम का सीरीज के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सीरीज भारतीय टीम जीत चुकी है। तो यह एक अच्छी खबर है और विश्व कप के पहले यह जीत, यह सीरीज जीत, क्योंकि दो मजबूत टीमों के खिलाफ आपको मिली है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने से भारतीय टीम का जो आत्मविश्वास है वो निश्चित तौर पर बढ़ा होगा और इसका फायदा विश्व कप में मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। जो गुवाहाटी में मैच खेला गया उसमें अगर आप बात करें और जो बॉक्सेस विश्व कप से पहले ओके वाले बॉक्सेस जो हैं जिनको टिक करना है, अगर हम उसकी बात करें तो अब बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं ओके टिक हो चुके हैं। एक समस्या जो इस सीरीज के शुरू होने के पहले थी वो ये थी कि केएल राहुल फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, तो जो पहला मैच तिरुवनंतपुरम में T20 सीरीज का खेला गया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वहां वो संघर्ष करते दिखे थे। बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक रेट को लेकर उनकी आलोचना की थी, लेकिन जब वो गुवाहाटी में उतरे तो बिल्कुल बदले हुए राहुल थे, वो वही पुराने वाले राहुल थे जिन्हें हम सभी जानते हैं। क्या मतलब, जो फ्लिक ऑफ द रिस्ट से उन्होंने सिक्स, जो पिकअप सिक्स कहते हैं कि गेंद टप्पा खाती है और वो इस तरह से जो सिक्स लगाते हैं वो देखते ही बन रहा था। इसके अलावा उनके कवर ड्राइव सही पड़े, एक पुल जबरदस्त किया, तो वो लगने लगा कि राहुल अपनी पुरानी फॉर्म वापस पा चुके हैं, अब रन भी उनके किटी में है। जैसा कि मैंने पहले T20 के बाद भी बोला था कि जब आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस जो है गुवाहाटी में राहुल का बढ़ा हुआ दिखा और वो उसका असर जो है वो उनकी बल्लेबाजी में भी दिखा, तो कमाल की बल्लेबाजी। इसके अलावा अगर आप कहें तो जो भी टॉप के 4 बैट्समैन की हम बात करते हैं कि सभी लय में दिखे, चाहे राहुल हो, रोहित हो, विराट हो, और सूर्य कुमार के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा कम होगा, वो किस तरह के बल्लेबाज हैं वो अब पूरी दुनिया जानती है। अब मैं सिर्फ स्ट्राइक रेट के बारे में सूर्य कुमार यादव की बात नहीं करूंगा, अगर आप उनका ओवरऑल इंपैक्ट देखेंगे मैच पर तो वो बहुत बड़ा होता है, और ये बात अब निकलकर सामने आ रही है इन तैयारियों को देखकर कि विश्व कप में सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन भारत की संभावनाओं पर बहुत असर डालने वाला है। अगर सूर्य कुमार यादव जिस लय में अभी खेल रहे हैं उसी फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो विश्व कप में भारत के लिए यह बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। मैच के बाद रोहित शर्मा ने भी कहा था कि 23 अक्टूबर को कैसा प्रदर्शन करते हैं सूर्य कुमार यादव, ये देखना दिलचस्प होगा। तो सूर्य कुमार यादव अभी भारत के T20 के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं बल्लेबाज के तौर पर अगर हम बात करें तो 1000 रन उनके T20 इंटरनेशनल में पूरे हो चुके हैं, और आपको बता दूं कि भारत के लिए सबसे कम गेंद में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा जो एक और बॉक्स जो ओके बॉक्स है जिसको टिक करने की बात हो रही थी वो है लोअर मिडिल ऑर्डर, जहां हम बात कर रहे थे कि दिनेश कार्तिक को और अक्षर पटेल को कम मौका मिला है। कल भी दिनेश कार्तिक को कुछ ही गेंद खेलने का मौका मिला, लेकिन कहना होगा कि जो उनको फिनिशर की भूमिका दी गई है या आप कह सकते हैं कि अंतिम कुछ गेंदों पर जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उस पर स्ट्रोक लगाने की जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कल भी दिनेश कार्तिक सफल दिखे, तो ये अब लगने लगा है कि दिनेश कार्तिक ही विश्व कप में भारतीय टीम के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे, पहले विकल्प के तौर पे, और ऋषभ पंत को हो सकता है इंतजार करना पड़े क्योंकि हार्दिक पांड्या जब लौटेंगे तो जिस 5 नंबर पे या 6 नंबर पे
अभी ऋषभ पंत को रखा जा रहा है वो जगह जो है निश्चित तौर पे हार्दिक पांड्या को चल जाएगा। तो ये बॉक्स भी ऑलमोस्ट टिक है, तो ये भी एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। लेकिन एक खबर ये है जो थोड़ी बहुत चिंता में डाल रही है, जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं, भारतीय टीम की गेंदबाजी, बॉलिंग डिपार्टमेंट। वो जो चिंता है वो नई गेंद को लेकर नहीं है, नई गेंद से भारतीय बॉलर्स जो हैं वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और गुवाहाटी में भी दो रन पे दो विकेट जो है दक्षिण अफ्रीका का गिर गया, दूसरा ओवर चल रहा था, तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। परेशानी इसके बाद शुरू होती है कि आप समझिए कि जब आप 237 रन का स्कोर बनाते हैं, दो रन पे अपोनेंट के दो विकेट गिर चुके होते हैं वो भी पहले दो ओवर के अंदर, इसके बाद अगर मैच में ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको लगने लगता है कि क्या टीम हार भी सकती है या मैच क्लोज हो रहा है, तो ये यही बताने के लिए काफी है कि भारत की गेंदबाजी कैसी हो रही है। दो रन के बाद जहां आपको अपोनेंट टीम को किल कर देना है, उन्हें फिनिश कर देना है, उनके स्कोर को आगे नहीं बढ़ने देना है, लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहना है, वो करने में भारतीय गेंदबाज लगातार असफल हो रहे हैं और ये विश्व कप के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि अगर आपको विश्व कप जीतना है, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि मैचेस आपको बैट्समैन जिता देते हैं लेकिन टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट आपको बॉलर्स जिताते हैं, तो बॉलर्स की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह देखना होगा, अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, अर्शदीप इससे पहले एशिया कप में डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब यह चिंता बढ़ रही है क्योंकि वो डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। मैं 19वें ओवर की फिर बात नहीं कर रहा, वो तो अब भारत की राष्ट्रीय समस्या जैसी हो गई है कि 19वां ओवर कौन डालेगा। कल ये जो गुवाहाटी में मैच हुआ उसमें भी 19वां ओवर जो है अर्शदीप ने डाला था और उसमें 26 रन लुटाए, तो आप 19वां ओवर की मैं बात ही नहीं कर रहा, इधर लगातार 19वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूं जहां पर भारतीय गेंदबाज अंकुश लगा पाने में असफल रहे हैं। हर्षल पटेल की बात करूं तो वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, वो सभी को पता है कि वो आएंगे स्लोअर गेंदे डालेंगे, तो बल्लेबाज जो होता है वो बैकफुट पर इंतजार कर रहा होता है कि वो स्लोअर गेंद डाले और वो उन्हें बैकफुट पर खेले, वो जैसे ही आता है वो उस पर स्ट्रोक लगा देते हैं। तो अगर आप इधर हर्षल पटेल का इकोनॉमी रेट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो बल्लेबाज है उनको कितनी अच्छी तरह से रीड कर रहे हैं। और क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, पहले से ही बल्लेबाज जो है वो पूर्वानुमान लगा लेता है कि आपकी गेंद कैसी होने जा रही है। तो डेथ ओवर्स में ये एक समस्या है, हर्षल पटेल टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और डेथ ओवर्स में उनसे बहुत सारी उम्मीदें भारतीय टीम को है, तो उन्हें कुछ ना कुछ वेरिएशंस लेकर आने होंगे ताकि वो बल्लेबाज को सरप्राइज कर सकें। वो जो सरप्राइज एलिमेंट है वो हर्षल पटेल की गेंदबाजी से में नहीं दिख रहा है। आर अश्विन को मौका दिया गया, हालांकि आर अश्विन भारत के अन्य गेंदबाजों की तुलना में थोड़े से किफायती दिखे गुवाहाटी में, लेकिन बावजूद इसके ये सोचना होगा कि वो विकेट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। असली समस्या विकेट निकालने को लेकर है। 8 ओवर में अगर आप 37 रन, ये माफ कीजिएगा, 4 ओवर में अगर आप 37 रन देते हैं तो ये जितना हाई स्कोरिंग मैच था उस लिहाज से ये ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप विकेट निकाल कर नहीं देंगे, बीच के ओवर्स में अगर विकेट नहीं निकलेंगे तो अपोनेंट गेम को लेकर लंबा जाएगा और गेम जितना लंबा जाएगा आपकी टीम के लिए समस्या उतनी बढ़ेगी। तो अश्विन इस मामले में गुवाहाटी में खेल रहे, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, जो आखिरी अभी दो T20 अश्विन ने खेले दोनों में किफायत के हिसाब से, कंजूसी के हिसाब से वो कंजूस तो दिखे लेकिन विकेट लेने में असफल रहे और यह भारतीय टीम के लिए समस्या है। तो मुझे लगता है कि इससे फिर एक बार यूजी चहल को मौका मिलने की संभावना है प्लेइंग 11 में, और ये एक वही कमी है जिसकी वजह से अश्विन को व्हाइट बॉल क्रिकेट से जो है वो बाहर किया गया था। अब जबकि वो लौटे हैं उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करना होगा, जबकि दो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन क्रीज पर थे और अश्विन ऑफ स्पिनर है तो उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन था, लेकिन वहां पर अश्विन उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सके। तो कुल मिलाकर गेंदबाजी का जो बॉक्स है ओके बॉक्स,
वो अभी ठीक नहीं है और उसे आप ओके टिक नहीं कर सकते हैं, ये बड़ी समस्या है। लेकिन बावजूद इसके ये एक अच्छी बात है कि भारतीय टीम ने ये सीरीज भी जीत ली है, तो लगातार दो सीरीज जीत के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी इस सीरीज का तीसरा T20 4 तारीख को इंदौर में खेला जाएगा, उसमें भी जो कुछ होगा वो बताने हम आपके पास जरूर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।